हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपकी दादी। हाँ दादी, दादी के पुराने ज़माने से आज तक की सारी खबरें बताती हूँ अपने बच्चों को। हाँ दोस्तों, मैंने ऐसे ही अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं करे हैं। टीवी की, मीडिया की, फिल्मों की सारी खबरें जानती हूँ मैं, तभी तो मैं बनी हूँ आप लोगों की फेवरेट दादी। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या मेरा बलम थानेदार? हाँ दोस्तों, मेरा नहीं, आपका बलम थानेदार। अरे नहीं नहीं दोस्तों, आपका भी नहीं, आपकी बुलबुल का। हाँ दोस्तों, बुलबुल का कलर्स से आने वाले शो बुलबुल का, मेरा बलम थानेदार के बुलबुल के वीर। हाँ दोस्तों, यानी कि शगुन पांडे। अरे आप लोग क्या दोस्तों, मेरे बहुत कम रह गए। आप तो सब पोते पोती, दोहिते दोहिती, मेरी नई जनरेशन हो। हाँ तो सुनो मेरे दोस्तों और मेरे सभी पोते पोती, दोहिते दोहिती, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर और सभी मुझे प्यार करने वालों, सुनो सुनो दोस्तों कि आपके बुलबुल के वीर यानी कि मेरा बलम थानेदार के वीर। हाँ दोस्तों, शगुन पांडे मेरे तो वो बहुत ही प्यारे पोते हैं, पर पता है उनके साथ क्या हुआ? ब्रेकअप के बाद उन्होंने ले लिया एक बहुत बड़ा डिसीजन अपनी शादी के बारे में। हाँ दोस्तों, क्या डिसीजन है ये? क्या बुलबुल के वीर ने अपने ब्रेकअप के बाद कोई ऐसा खतरनाक डिसीजन ले लिया है जिससे आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत है? नहीं दोस्तों, नहीं। वी ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो हमारे ज़माने में काफ़ी पॉपुलर था। हाँ दोस्तों, वी ने कहा है कि जब उनका बहुत ही भयंकर से दिल टूट गया और उनका ब्रेकअप हो गया, उन्हें लगा कि उन्हें चीट किया गया है, और जब ब्रेकअप के बाद उन्होंने अब अपनी लाइफ में एक बड़ा डिसीजन लिया है। उन्होंने लिया है ये डिसीजन कि वो अब अपना सारा समय और एनर्जी अपने काम पे फोकस करके लगाएंगे ताकि वो ब्रेकअप से उभर भी पाएँ। और उन्होंने अब कोई भी ये नहीं सोचा है कि वो लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो पूरा ध्यान अपने काम पर लगाएंगे और लव अफेयर्स में पड़ने की जगह अब वह जब भी प्यार करेंगे तो उसे सीधा शादी तक ले जाएंगे। तो ये सही आपके वीर की यानी कि शगुन पांडे की खबर। तो उन्होंने कहा है कि जब भी उन्हें कोई अच्छा जेन्युइन लाइफ पार्टनर मिलेगा तो वो उस रिश्ते को सीधा शादी तक ले जाएंगे। अभी वो और उनका परिवार इस बारे में सोच रहे हैं। तो जब भी उनकी नया कोई लिंकअप होगा या उन्हें शादी के लिए कोई भी लड़की मिलेगी तो दादी आपको सबसे पहले बताएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? दादी के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि दादी की खबरें आपको कैसी लगी। तो वीर के बारे में और अपने चहेते एक्ट्रेस के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। बाय बाय, जीते रहो।